इस्लाम टू मासी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि म्यूजिक इस्लाम में हराम है लेकिन साथ ही साथ हम सबको इसके फ़ायदे भी महसूस होते हैं लेकिन आज साइंटिफिकली हम जानेंगे कि म्यूज़िक केराम होने की रीजन्स क्या हैं ताकि आपका ईमान और भी मजबूत हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आप सभी ने यह बात नोटिस की होगी कि जब आप सैड होते हैं और मूड अपलिफ्ट करने वाले सॉन्ग सुनते हैं तो आपका मूड बेटर हो जाता है आल्सो म्यूजिक लॉइज और डिप्रेशन एंड स्ट्रेस और तो और अगर आप ने कभी म्यूजिक सुनते हुए मैथ्स किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम आप म्यूज़िक सुनने से पहले कई बार सोचेंगे हम देखते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो भी हमें म्यूजिक चाहिए फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग रनिंग होम वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज बट द फैक्ट हम म्यूजिक के एडिक्ट हो चुके हैं इसीलिए हमें हमारी लेजी रूटीन से बाहर निकलने के लिए एक स्टार्टअप चाहिए होता है जिसकी वजह से हम म्यूजिक सुनते हैं और ये सब काम करते हैं बट द फैक्ट मस म्यूजिक हमारे माइंड में डोपा हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से हम अवेकन बैडर फील करते हैं लेकिन जैसे कि सबके नेचर अलग अलग है इसीलिए जब कुछ लोग सैड होते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं तो वो सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डिवेलप करता है और सिचुएशन मज़द ख़राब और बदतरीन हो सकती है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं एगर सॉन्ग्स में भी यही सब है कि हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डिवेल्प होती हैं जैसे कि आजकल के लिरिक्स को ही देख लें एंड मोस्ट ऑफ़ द पंजाबी सॉन्ग जिनके लिरिक्स से अच्छा खासा नाइस बंदा अजीब से स्वैग में आ जाता है लाइक like, वाई ये सब क्यों इज़ इट राइट right? छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक दस साल के ख़ुद को डेबली शो ऑफ करते हैं ज़रा ख़ुद सोचें इज़ दिस राइट वॉज अफेक्टिंग आवर यूथ्स माइंड एब्सोल्यूटली नॉट लेकिन आज इन इफेक्ट से हट कर हम मेनली म्यूजिकल साउंड के इफेक्ट्स को देखेंगे कि वो हमारी हेल्थ पर किस तरह से असरअंदाज होती है फर्स्ट ऑफ

इन इन एन अदर इंसिडेंट 25 नवंबर को 2023 में यानी लास्ट ईयर एक आदमी सेम किसी की शादी पर डांस करते हुए हार्ट अटैक की वजह से चल बसा पिछले कुछ महीनों से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें लोगों से लाउड साउंड बियर नहीं हो पाई और वो चल बसे एंड मसिस्टर्स 500 लोगों पर एक रिसेंटली स्टडी की गई जो कि बिल्कुल हेल्दी अडल्ट थे जो बिजी मार्केट एरियाज के करीब काम करते थे और उनके करीब आलमोस्ट लाउड म्यूजिक लगा ही होता था ये स्टडी तकरीबन तो पाँच सालों के लिए की गई थी जिसका ये नतीजा निकला कि जो अडल्ट जिनके अंदर किसी भी किस्म की हार्ट डिजीज़ का कोई मसला भी नहीं था दे आर जस्ट एक्सपोज टू कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज एंड द फैक्ट दिस लाउड नॉइस कैन ईजिली काज एग्रेशन इन यू एंड आल्सो सडन मूड स्विंग्स आल्सो म्यूजिक काज आर ट्रेलफिबलेसन एन इरेगुलर हार्ट बीट जिसे आर्ट्रल फेबिलेशन कहा जाता है ये ब्रेन स्ट्रोक ब्लड क्लाट्स और हार्ट अटैक जैसे नुकसान का बायस बनती है दीज इस्टिहाइंड एवरी थिंग आवर यूथ नीथ फॉर द नाउन लाइफ इस रीजन टू विच म्यूजिकल रिड्यूज स्ट्रेस